हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सिंपल झटपट वाली मैं बनाती हूँ रेसिपीज, आपको इंशाल्लाह ज़रूर से पसंद आएगी। तो यहाँ ले लिया है मैंने 5 से 6 ऑनियन की मीडियम साइज़ के प्याज की डलिया ले लिया है और 4 एग ले लिया है। और क्या करूँगी मैं, इसको अच्छे से चॉपर के ज़रिए से चॉप कर दूँगी हमारी ऑनियंस को। और फिर इधर भी एक मिर्ची का स्पून, एक धनिया स्पून, हल्दी 1/2 स्पून, नमक मेरे हिसाब से, और काले मिर्च 1/2 स्पून। तो इतना ही सिंपल झटपट है गाइस। चलिए, तेल को रख दिया गर्म होने हमने कढ़ाई में और अच्छे से चॉप कर दिया हमारे ऑनियंस को। और इसको अब मैं गर्म गर्म तेल में डालकर फ्राई करती हूँ और फिर इसको अच्छे से थोड़ी देर लाल होने के लिए छोड़ूंगी। बहुत लाल नहीं, मीडियम गोल्ड। ओके, गोल्ड कलर होने पर आपको मैं इसको क्या करूँगी देखते रहिए, आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और चैनल पर जो कोई नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स कर बताओ। 4 अंडे मैंने इस तरह से अलग से सेपरेट से ले लिया है एक क्या बोलते हैं बॉल में। और फिर इसको अभी मैं प्याज को इधर हिलाते हिलाते देखिए कलर चेंज हो गया है हमारी ऑनियन का। अभी मैं क्या करूँगी, ये है ना, मैंने थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स भी ले लिया था, उसको भी अच्छे से काट कर मैं मसाले में डाल दूँगी। ओके, चलिए अभी इसको और मैं 5 से 8 मिनट तक अच्छे से इसको इसके अंदर ही प्याज में मैं मीडियम फ्लेम पर रखकर अभी ये करूँगी, क्योंकि बहुत जलना नहीं चाहिए। ओके, मसाले तो इस तरह से मैंने देखकर बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत अच्छा रहता है ये। देखिए ये वाला आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और मैं अंडों में थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा अंडों के अंदर भी थोड़ा सा लगना चाहिए। ओके, तो काले मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, उसमें भी हमने नमक थोड़ा डाला, थोड़ा देखकर डालना इतना। और क्या करूँ गाइस, मैं अच्छे से इसको कर दूँगी, अंडों की चटनी बना दूँगी पूरी तौर से। अंडों को अच्छे से हिलाकर डुलाकर अंडों का मस्त से उसका क्या बोलते हैं अंडों का, और थोड़ा ठंडा होने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दिया मैंने मसाले मिलाने के बाद। हमारी प्याज का तैयार हो गई थी इसका मसाले वाले प्याज। अब इसको डाल रही हूँ हमारे अंडों के अंदर, कच्चे अंडों के अंदर। आप सोच रहे होंगे कच्चे अंडों के अंदर क्या कर रहे हैं, सभी पका कर डालते हैं, आप कच्चों में डाला। तो देखते रहना, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो शुरू हुआ है। तो कुछ इस तरह से आज पता नहीं थोड़े मज़े के मूड में हूँ मैं। और इसको अच्छे से हिला डुला कर मिला कर मैं क्या करूँगी, पैन थोड़ा दूसरा बदला दूँगी, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, जस्ट सिंपल थोड़ा सा 1 to 2 स्पून उतना ही ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा हिला डुला कर कढ़ाई को भी हमारी बाप रे बाप कुछ इस तरह से गर्म होने छोड़ दिया मैंने। अभी इसमें क्या करूँगी, एक पल्ला रख लूँगी जो सालन का आता है ना वो वाला, उसे एक डाल दूँगी ऐसे, तो कुछ इस तरह से। और उसको आप जैसा शेप करना, बट राउंड शेप बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ इस तरह से शेप हो गया गाइस। तो चलिए इसको क्या करूँगी, अभी अच्छे से इधर एक साइड पकने दूँगी, फिर हल्के हाथों से इसको पलटाऊँगी। ओके, क्योंकि अभी पलटा देंगे तो आप क्या होगा, हमारा अंडा पक्का कच्चा कच्चा रहता है, पकेगा नहीं। देखिए कुछ इस तरह से होगा, इसलिए थोड़ा हैवी टेक ये पेशेंस सब्र से पकाइएगा, पक जाएगा। और थोड़ा प्यार से भी, हाँ अभी मैं क्या बता रही हूँ, हो गया इसको वन साइड हो गया। अब एक साइड को मैं पकड़ के ऐसे कढ़ाई को लेके ऐसे उल्टा के पलटा के इसको ऐसे बना दिया, हो गया हमारा अंडा तैयार। आज का हमारा एक डोसा अंडा, एक ऑनियन डोसा अंडा बना रही हूँ गाइस। ओके, नाम भी मैंने देखिए रख दिया इसको, बच्चे तो बहुत पसंद से खाए मेरे, तो आई होप आपके बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। बहुत यम बना था ये, एक वाला बिस्मिल्लाह रेडी हो गया था। और एक डाल रही हूँ, देखिए अभी मेरे हाथों का जादू गाइस। अभी मैं क्या करती हूँ देखते रहना, ऐसा ही थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि देखिए कितने अच्छे सलमा दी ग्रेट मास्टर शेफ का नुस्खा क्या ट्रिक्स अपना रही हूँ। देखिए उड़ा कर डाला मैं क्या बताऊँ, मेरा बेटा इधर पे पकड़ रहा था, मैं ऐसे करी तो वो क्या हो गया ना, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में मेरा अंडा थोड़ा इधर थोड़ा हलाने पर नहीं हला। अभी हलाऊँगी, देखो ऐसे देखते रहना। ओके ओके, ये वाला पक गया, छोड़ दो इसको, अभी नेक्स्ट वाला देखो। ओके, अभी मैं डाल रही हूँ फिर एक थोड़ा ऑयल डालकर, फिर से अभी मैं डालूँगी, देखना आप ऐसे ही बहुत मस्त से ऐसे ही मैंने बनाया था, ज़बरदस्त गाइस। आप देखना मस्त मज़ेदार बना था, इसमें लच्छेदार रोटी भी बना दिया मैंने, पदरे पदर की रोटी बोलते हैं ना, कुछ इस तरह सा हमारा रात का डिनर
रेडी हो गया था गाइस। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो। मैंने कल कुछ पुलाव बना ली थी करके, रात में मैंने रोटी और ऐसे हमारे अम्मी बनाते थे बहुत प्याज के चीले बोल के, मेरी मम्मी बहुत बनाती है। ये है मेरी प्यारी मम्मी की रेसिपी। तो आपको तो पता होगा माँ के हाथ की रेसिपीज़ तो लाजवाब औसम ऐसे रहते हैं ना, तो ऐसे ही है मेरे अम्मी के प्यारे रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना बहुत दिल से शेयर कर हूँ। प्लीज़ आपको पसंद हो तो जल्दी जाकर मेरे वीडियो को वायरल कर दो। क्या बताऊँ इंशाल्लाह। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं देखिए इधर पे मूंग दाल और आलू, ये भी मम्मी वाली रेसिपी है रोटी के साथ। बाय बाय। तो तब तक के लिए अपने चैनल पर मिलते रहेंगे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू।